दोस्तों यदि आपके भी मोबाइल का बैटरी का पावर बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है यानी कि दोस्तों आपका जो बैटरी है चार्जिंग है वो बहुत जल्दी जल्दी उतर जाता है सो तो दोस्तों उसका मुख्य जो रीज़न होता है वो होता है डिस्प्ले जी हाँ दोस्तों आपके जो मोबाइल का डिस्प्ले होता है उसी में ही सेटिंग रहता है जिससे आप अपने मोबाइल का बैटरी का चार्जिंग को आप ज़्यादा देर तक यूज कर सकते हैं यानी कि बैटरी का पावर को बहुत देर तक आप कंज्यूम कर सकते हैं सो दोस्तों उसके लिए आपको मोबाइल का आपके डिस्प्ले का तीन से चार ऐसे सेटिंग बताऊंगा जिसको यदि आप कर लेते हैं तो आपका जो मोबाइल का बैटरी पावर है यानी कि आपका चार्जिंग बहुत देर तक चलेगा आपके मोबाइल का सो so, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे शुरू दोस्तों आपको आपके मोबाइल का सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है देखिए दोस्तों इस तरह से सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है अब सेटिंग वाले ऑप्शन में आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस नाम का ऑप्शन सो जाता है ये आपको हर मोबाइल में मिल जाएगा दोस्तों डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस अब देखिए दोस्तों सबसे सब पहले जो ऑप्शन होता है यहाँ पर देखिए ब्राइटनेस का अब दोस्तों कई मोबाइल में क्या रहता है ये ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को इस तरह से फिक्स करता है अब दोस्तों ये क्या होता है दिन या रात यानी कि दोस्तों ये आपका सीजन के हिसाब से जैसे कि मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं वहाँ अंधेरा है तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से ऑटोमेटिक ब्राइटनेस अपने आप फिक्स हो जाता है और जैसे मान लिया जाए आप लाइट वाले में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक इसको कम कर लेता है जिससे कि क्या होता है दोस्तों आपका जो मोबाइल का बैटरी पावर है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है सो तो दोस्तों इसको एडाप्टिव ब्राइटनेस है या तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस होगा आपके मोबाइल में तो इसको इस तरह से ऑफ़ कर देना है और आपको एक बार इस तरह से फ़िक्स कर लेना है जिससे क्या होगा दोस्तों ब्राइटनेस एक बार फिक्स रहेगा बार बार ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा जिससे आपका जो बैटरी का पावर है वो कंज्यूम नहीं होगा अब दोस्तों दूसरा सेटिंग वाले ऑप्शन में चलते हैं तो दूसरा सेटिंग वाला ऑप्शन होता है दोस्तों देखिए यहाँ पास आटो रोटेट स्क्रीन यानी कि दोस्तों देखिए ऑटो रोटेट स्क्रीन यहाँ पास इस मोबाइल में मेरे वाले मोबाइल में आन है ये दोस्तों कोई सा भी हम वीडियो देखते हैं या कोई भी गेमिंग खेलते हैं तो उसमें तो ऑटोमेटिक रोटेट स्क्रीन का ऑप्शन रहता है तो ये वाले आपको सेटिंग वाले ऑटोमेटिक रोटेट स्क्रीन को आपको ऑफ आप कर देना है जिससे ये ऑटोमेटिक रोटेट स्क्रीन जो है ये ऑफ हो जाएगा और आप कुछ भी करेंगे तो ये रोटेट नहीं होगा जिससे आपका मोबाइल का जो बैटरी का पावर है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा अब दोस्तों तीसरा सेटिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं तो देखिए फ्रेंड्स तीसरा सेटिंग यहाँ पास है स्क्रीन रिफ्रेश रेट इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए स्मार्ट स्विच सिक्सटी हर्ज एंड नाइन्टी हर्ट्स का ऑप्शन है अब फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो सबसे जो कम हर्ट्स वाले ऑप्शन है देखिए सिक्सटी हर्ट्स इसमें आलरेडी ही लिखा है कि द स्टैंडर्ड रेट डज नॉट इंक्रीज सिस्टम पावर कंज़प्शन यानी कि दोस्तों यदि आप इसको कर लेंगे तो आपका जो बैटरी का पावर है वो ज़्यादा कंज़प्शन नहीं करेगा तो सिंपल से दोस्तों आपके मोबाइल में सबसे कम वाला जो रिफ्रेश रेट होगा उसको इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पास नीचे में आपको देखिए यहाँ पास लिखा भी है कि यदि आप हायर वाला रिफ्रेश रेट को करेंगे तो आपका जो बैटरी का पावर है वो ज़्यादा यूज होगा सो so दोस्तों इस तरह से आपको सबसे कम जो रिफ्रेश रेट रहेगा उसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है अब दोस्तों लास्ट वाला मैं सेटिंग बताने जा रहा हूँ चौथा नंबर वाला वो सेटिंग एकदम सिंपल है दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है आपके जो मोबाइल है उसमें देखेंगे आप जैसे कि मेरे मोबाइल में अभी देखिए ये डार्क थीम में नहीं है तो इसको दोस्तों आपको मेरा भी जो मोबाइल है ये लाइट वाले थिम में है तो इसको डार्क थिम में इस तरह से आपको कर लेना है जैसे आप दोस्तों आप डार्क थिम में करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक वाले थिम में हो गया अब दोस्तों इससे ये होगा कि आपका जो मोबाइल का बैटरी जो पावर है लाइट वाले डार्क लाइट वाले थीम में ज़्यादा यूज हो रहा था अब जैसे मैं डार्क में किया सो so, दोस्तों मेरे जो मोबाइल का यहाँ पर देखिए डार्क थीम है वो आप कम यूज करने लगे सो so, दोस्तों आपको भी आपके मोबाइल में इस तरह से डार्क थीम को यूज कर लेना है अब दोस्तों लास्ट वाला जो सेटिंग है उसके लिए आपको डिस्प्ले में इस तरह से आप देखेंगे तो आप बहुत सारा पहले से ही इस तरह से मिनिमाइज में बहुत सारा ओपन करके रखे रहते हैं डिस्प्ले सो so, दोस्तों इस तरह से आपको ये सब चीज़ को हटा देना है और रिसेंट में जितना भी आप कुछ भी फाइल या कुछ भी ओपन किए रहेंगे वेबसाइट उन सबको इस तरह से क्लियर कर देना है यदि आप इस तरह से रिसेंट में कोई भी फाइल या कोई भी वीडियो या कोई भी वेबसाइट को ओपन किए रहेंगे तो उसमें क्या होता है डेटा भी खर्च होता है और आपका बैटरी का जो पावर है वो भी कंजप्शन होते रहता है सो दोस्तों इस तरह से आपको मिनिमाइज में कुछ भी ऑप्शन रहेगा उसको आपको पूरा क्लियर कर देना है सो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल का जो बैटरी का पावर है उसको बढ़ा सकते हैं कंजप्शन को कम कर सकते हैं और ज़्यादा देर तक आप अपने मोबाइल का बैटरी के पावर को बढ़ा सकते हैं दोस्तों आई होप आशा करता हूँ आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा नॉलेजफुल लगा होगा और इसी तरह का आप वीडियो देखना चाहेंगे सो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं कोरोना वीडियो में दोस्तों तब तक ले टाटा बाय बाय